चार्जर से हमारी बन जाएगी बहुत ही जरूरी काम, जिससे कि हमें तामझाम करना नहीं पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की टिप्स एंड ट्रिक्स, घरेलू नुस्खा जिसकी वजह से हमारी काम तो एक आसान बन जाती है, समय सामान मेहनत सब कुछ बच जाती है और कबाड़ से जुगाड़ होता है, रीयूज भी हो जाती है। कोई भी चीजों को हम आज यहाँ पे फेंके के नहीं, सब कुछ चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी पैसों की बचत भी हो जाएगी। देर ना करके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो में ऐसे बने रहिए, प्यार देते रहिए। तो और हाँ दोस्तों, कोई भी नेगेटिव कमेंट प्लीज मत दीजिए, आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी काम भी बन जाती है। तो चलिए देख लेते हैं पहला वाला टिप्स हमारी यहाँ पे लेके, इस तरह के डिब्बे को लेकर, इस तरह की बॉक्सेस हमारे घर पे तरह तरह की चीजों में आती है, जैसे कि हमारी सैंडल की बॉक्स होती है जो चप्पल वगैरह हम लाते हैं, और उसके बाद हमारी जो कुछ भी सामान लाते हैं, कुछ भी इस तरह की रेक्टेंगुलर साइज की बॉक्सेस होती है, हम क्या करते हैं इसको अक्सर हमारी चीजें इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। इसी बॉक्स से आज हमारी बन जाएगी बहुत ही अच्छी जुगाड़ी। तो चलिए देखते हैं क्या जुगाड़ू हम यहाँ पे करने वाले। और हाँ दोस्तों, घर पे न्यूज़पेपर हमारी होती है, पुरानी पेपर्स वगैरह होती है, लंबाई में नोटबुक्स वगैरह होती है, उसको हम क्या करते हैं यूज करने के बाद अक्सर कबाड़ को बेच देते। तो आज यहाँ पे हम किसी चीज को बेचेंगे नहीं और उसी चीजों से हमारी काम बहुत ही आसान बन जाएगी, जैसे कि हमें पैसों की खर्चा करना नहीं पड़ेगा, बाहर से बिल्कुल लेके नहीं आना पड़ेगा। एक न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर थोड़ा मोटा होता है, तो इस तरह से हम इसको सर्कल में कर लेते हैं और इस तरह से बांध लेते हैं एक रबर से, धागे से हम इस न्यूज़पेपर को अच्छे से बांध लेते हैं। अगर रबर पतला है तो दो तीन रबर भी हम इस पे लगाते हैं और इसको थोड़ा टाइट करके बांधते हैं। और जो न्यूज़पेपर हमने लिया है, बॉक्स की लंबाई के हिसाब से थोड़ा बड़ा ये होना चाहिए और हम इसको काटेंगे नहीं, इससे साइज में बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए इस पेपर को हम रोलिंग पेपर को इसके अंदर डालते, लाठी जैसे हमने बना लिया, तो चलिए इसको हम कवर डालते। तो इसका यूज कैसे करना है, बहुत ही अच्छा जुगाड़ू है, बहुत ही पैसे हमारे बचने वाले। इस तरह के हमारे घर पे बहुत सारी चूड़ी होती है, जैसे कि हम हर चूड़ी के लिए स्टैंड खरीद नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे चूड़ी होते हो के हमारे एक दो स्टैंड ही होते, इतने सारे चूड़ी को हम रखेंगे कैसे। इस तरह से देखिए, इसको इसके अंदर हमने चूड़ी डाल दिया है, कुछ भी चूड़ी हो, कांच की हो, मेटल की हो, इस तरह की हेवी वाली चूड़ी हो, कुछ भी चूड़ी हो, बहुत सारे चूड़ी बॉक्स हम खरीद नहीं पाते, इसलिए एक दो खरीदते और सारे चूड़ी को ऐसे ही रख देते ड्रॉयर के अंदर। तो क्यों ना हम इस चूड़ी को ऑर्गेनाइज करके रखें, जैसे कि हमारी चूड़ी ना टूटे, खराब ना हो, कलर ना छोड़े। और हाँ, आप चाहे तो इस बॉक्स को डेकोरेट कर सकते हैं, हमारा चूड़ी बॉक्स बन गया। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स, तो बहुत ही जुगाड़ू है। घर पे इस तरह के पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल अक्सर हमारे पड़े रहते हैं, हम पानी पीने के बाद अक्सर इसको डस्टबिन में फेंकते। तो चलिए आज इस बोतल का रियूज करते, तो कितना अच्छा रियूज होगा कि आप देख के इसको करने के लिए ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत ही अच्छी काम बन जाएगी। तो चलिए बोतल को इस तरह से काट लेते हैं। इस बोतल में जो बीच में जो शेप में है, जो उसी शेप में मैं इसका एक एक पीसेस काट लेती हूँ। हम थोड़ा पतला करेंगे तो भी काम चल जाएगा, थोड़ा मोटा करेंगे तो भी काम चल जाएगा। छोटे छोटे कबाड़ से जुगाड़ रियूज हम अगर कर लेते हैं तो हमारी एक तो काम बन जाती है और आसान भी होती है, हमें बाहर जाना नहीं पड़ता है, कुछ खरीद के लाना नहीं पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इस बॉटल को दो तीन पीसेस यहाँ से काट लूंगी, मेरे दो तीन काम तो यहाँ पे बन जाएगी। ये बॉटल थोड़ा पतला है इसलिए थोड़ा इजीली कट गया, तो नहीं कट रहा है तो थोड़ा चाकू को थोड़ा गर्म करके काटिए। तो यहाँ पे मैंने दो पीसेस निकाल लिए। इस तरह की बॉटल को हम काट के क्या करते है, इस तरह से फेंक देते, नहीं तो बॉटल को ऐसे ही फेंक देते। तो चलिए बॉटल से बहुत ही अच्छा काम हम लोग आज कर लेते। इसको मैं बगल में रखती हूँ, तो यहाँ पे एक जो पीसेस मैंने चूड़ी की जैसे सर्कल के जैसे काटा है, इसको बीच में से काट लेती हूँ, इसको खोल देती हूँ। देखिए इस तरह से हमने खोल दिया है। तो यूज हमें यहाँ पे कैसे करना है, घर पे हमारे जो पर्दे होते हैं, डोर की पर्दे होते, विंडो के पर्दे होते, खिड़की के दरवाजे के पर्दे होते, अक्सर क्या होता है ना, इसका इस तरह के पर्दे को कभी कभी लॉक नहीं होता है, जैसे कि हम पर्दे को सेट करके रख सके। तो हम क्या करेंगे, कब जिस पर्दे का लॉक नहीं है उसी पर्दे में इस तरह से हम इसको लगा देंगे। एक तो हमारे देखिए पर्दे हमारे ऑर्गेनाइज होके रह गए, हमारे काम भी चीजें भी हमारे काम में आ गए, तो अच्छा लग रहा है ना, छोटे छोटे चीजें हमारी बहुत ही कम मदद हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट वाला हैक्स हमारी चार्जर को लेकर है। घर पे अक्सर हमारे बहुत तरह की चार्जर होती है, जैसे कि लैपटॉप होती है, हमारी फोन होती है, कुछ भी चार्जिंग करने वाले चीज होते हैं, स्पीकर होते हैं, कुछ भी होता है, तो बहुत सारे चार्जर एक जगह हम रख लेते हैं तो ये एक दूसरे में उलझ के रह जाती है।
तो चलिए चार्जर को हम आज कैसे रखते हैं, और कभी कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे चार्जर को लेना बड़ा तकलीफ होता है। बहुत सारे गैडगेज हम इलेक्ट्रॉनिक गैडगेज लेते हैं और उसके साथ चार्जर भी जो आपस में उलझ जाते हैं, और हड़बड़ी में जब हम इसको निकालना चाहते हैं बिल्कुल निकाल नहीं पाते। तो इस तरह से हम छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, जैसे कि हमें ये चार्जर को हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने जो बॉटल काटा था ना उसी का जो पार्ट है इसको भी हमने काम पे लगा लिया। तो चलिए इसके अंदर मैं चार्जर सेट कर लेती हूँ। जो भी चार्जर है आप बॉटल के हिसाब से बॉटल काट के इसके अंदर सेट कर सकते। देखिए हमारी चार्जर आपस में उलझेगी नहीं और फैल के तो बिल्कुल नहीं रहेगा, और मैसी भी नहीं लगेगा, गंदा भी नहीं लगेगा। आप चाहे जो पीछे का ढक्कन भी लगा सकते, और कभी भी हमें ट्रैवल करनी होती है बैग के अंदर लगेज के अंदर हम इजीली रख लेंगे, ताकि जब भी हमें चार्जर की जरूरत हो पूरा बॉटल निकालेंगे तो हमारी चार्जर निकल आएगी और हम काम पे इस्तेमाल कर सकते। नहीं चाहे तो आप पीछे का हिस्सा भी निकाल सकते, जैसे भी रख सकते। आपको ऑर्गेनाइज लगेगी, कैरी करने में मुश्किल नहीं होगा, घर पे रखने में भी मुश्किल नहीं होगा, आपको ढूंढने पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स हमारे मसाले को लेकर है। दोस्तों कभी कभी हमारे ऐसे होता है कि मसाला पीसना हो, आजकल तो बहुत ही इजी हो गया, मिक्सी का टाइम है, हम सब कुछ मिक्सी में पीस लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर पे बिजली नहीं होती है, और कभी कभी हम ट्रैवलिंग में होते हैं, आउटिंग में होते हैं, तो मसाला पीसना कभी कभी हमें बहुत ही दिक्कत होती है, हमें खुद सब कुछ करना पड़ता है। तो चलिए आज मसाले का बहुत ही सरल उपाय से इसका काम करते। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई बिठा ली और ये मसाले को थोड़ी सी भून ली। जब भी आपको कुछ इस तरह की मसाला कुछ भी पीसना है तो मसाला का थोड़ा ड्राई रोस्ट बना लीजिए, हल्का रोस्ट बना लीजिए। तो इसको थोड़ा हम ड्राई रोस्ट बना के नीचे ले आएंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका काम करेंगे। कभी कभी हमें मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा हम मिक्सी का इस्तेमाल करते। तो आज चलिए जुगाड़ लगाते हैं, और हमें बैचलर के लिए तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। बैचलर कभी कभी ये हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो मिक्सी तो हर किसी के पास नहीं होती है, ओखली नहीं होती, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक जरी ले आई पॉलीथीन, जो मैंने सामान निकाल लिया था, और ये मैंने मोटा वाला लिया है, पतला वाला पॉलीथीन बिल्कुल मत लीजिए ताकि वो खराब हो जाता है। तो इस तरह से मोटा वाला जरी मैं हमेशा सेव करके रख लेती हूँ, काम में आ जाते ही। तो चलिए ये चार्जर का जो ये अडेप्टर है ये बहुत ही हेवी होता है, कोई कोई चार्जर का बहुत ही हेवी होता है, तो हमें इससे बहुत ही अच्छा वाला काम हो जाता है। कभी कभी हेवी वाले चीजों से हमारी काम पीटने से भी बन जाती है। तो बच्चे जब भी होते हैं, ये हॉस्टल वाले बच्चे बहुत ही जुगाड़ लगाते, तो इनके लिए तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और कभी कभी नया कपल शहर रहने के लिए आते, कुछ भी साधन नहीं होता है, तो इस तरह से जुगाड़ लगा के काम चला लेते, बाद में हम खरीद के लेकर आते। और हाँ दोस्तों, हमारे पास सिलवटा नहीं है, ओखली नहीं है, बिजली चली गई है, तो इस टाइम पे ये इस्तेमाल हम कर सकते। छोटी छोटी जुगाड़ देखिए कितना, हमारा आधा तो मसाला पीस गया है। आप जो चाहे अदरक लहसुन कुछ भी प्याज ये भी दरदरा वाला पीस सकते हैं। इस तरह की दरदरा मसाला हमें बहुत सारे सब्जी में चाहिए होता है, तो हमें मिक्सी में डालते तो पूरा पाउडर बन जाती है, और प्रॉपर रेशियो में हम दरदरा बना नहीं पाते, तो इस तरह से हो जाते। पहले ना गांव में इस तरह से दरदरा मसाला बनाते थे, और जो सब्जी बनाते वो बहुत ही टेस्टी बनती थी। जब भी हम पुराने चीजों को इस्तेमाल करते हैं पुरानी तरीके से, तो आज वो बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट आती है और हमें अच्छा भी लगता है। कैसा लगा आज का टिप्स? आई होप छोटा छोटा टिप्स है, लेकिन हमारे काम तो बन जाती है, समय भी बचती है, सामान भी बच जाती है। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वाले अच्छे वाले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कोई भी नेगेटिव कमेंट प्लीज मत दीजिए, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी कि हमारी चीजें बच गई और पैसों की बर्बादी नहीं हुई। चलिए।